यस फ्रेंड्स दोस्तों, अब ये मैं क्या ले रहा हूँ, थर्ड प्रोडक्शन। जिस थर्ड प्रोडक्शन में हमने जैसे प्रॉमिस किया था कि हम क्या लेंगे, व्हाट इज दैट, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ COVID-19। ये COVID-19 जो बीमारी है वो एंट्री हुई है, इसकी कब एंट्री हुई और कब तक ये जा सकती है, पॉसिबिलिटी, मतलब व्हाट आर द पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन इज दैट व्हेन इट विल मूव आउट ऑफ द वर्ल्ड और स्लोली स्लोली आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट होगा और ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसकी मेमोरी तो हमेशा रहेंगी याद में, दिमाग में। तो हमने इसको 3 पॉइंट्स में डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट इज दिस एंट्री ऑफ कोविड, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमने लिया हुआ है कि दिल्ली का जो अपना इंडिपेंडेंस का चार्ट है, जब दिल्ली इंडिया इंडिपेंडेंट हुई तो दिल्ली एज ए कैपिटल सेंटर लिया गया और यहाँ पर सबसे पहले एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्शन किया गया, आई मीन हॉर्स को बनाया गया और क्या मुहूर्त था, मुहूर्त का टाइम रात को था। मैंने पंडित जी का नाम नहीं लिखा, पंडित जी का नाम था, क्या नाम था, श्री या हरदेव जी शास्त्री शर्मा त्रिवेदी, पूरा नाम था इनका श्री, लेट मी राइट इन हिंदी, श्री हरदेव जी, श्री हरदेव शास्त्री, श्री हरदेव शास्त्री शर्मा, ही रोट टू सरनेम शास्त्री शर्मा एज वेल एज, बिकॉज शास्त्री वाज हिज क्वालिफिकेशन, ओके, संस्कृत एम बी और समथिंग, सो शास्त्री शर्मा त्रिवेदी, ही वाज ऑल्सो राइटिंग त्रिवेदी, ओके, सो दिस वाज नेम ऑफ दिस आई एम राइटिंग हियर फॉर दिस इंडिपेंडेंस चार्ट बनाया, इंडियन इंडिपेंडेंस चार्ट जो बनाया था, ये मुहूर्त बना करके उन्होंने श्री हरदेव शास्त्री शर्मा त्रिवेदी जी ने सबसे पहले इंडियन इंडिपेंडेंस का चार्ट बनाया और इस तरह से उन्होंने प्रोडक्शन किया कि ये अच्छा मुहूर्त है, इसमें आप इंडिया को इंडिपेंडेंस दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान तो 14 तारीख को ही इंडिपेंडेंस उसने ऑप्टेन किया, जल्दी से वो पाकिस्तान बना दिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। लेकिन इंडिया ने 15th का सुबह है, तो हमने डेट लिया हुआ, टाइम लिया हुआ इस केस में, ये है 0:15 रात का 12 बजे के बाद, मीन्स 0:15 और 00 seconds, दैट मीन्स दिस इज टाइम ऑफ बर्थ हमने लिख दिया, ये इंडियन इंडिपेंडेंस का चार्ट है, ठीक है। और आज 28 अगस्त को क्या ट्रांजिट है, गोचर में प्लैनेट कहाँ चल रहे हैं, गोचर कहते हैं आज की जो मूवमेंट है प्लैनेट की, प्रेजेंट में किस किस लॉन्गिट्यूड में कितनी डिग्री पर हैं और किस राशि में बैठे हुए, ठीक। ये ठीक तीसरा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर सिचुएशन आगे क्या आ सकती है, कब ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस समय वैक्सीन का, जो वैक्सीन है उसका इन्वेंशन हो सकता है, वैक्सीन निकल सकती है और रिमूवल ऑफ, हमें तो रिमूवल ऑफ डिजीज चाहिए, ठीक है। वैक्सीन इन्वेंट होगी, किस तरह ठीक होगी, अपने आप ही वो वायरस वो खत्म हो जाएगा, दैट इज अनदर पॉइंट, बट वी हैव टू जस्ट डिस्कस दैट। अच्छा जो पीरियड आएगा हमारे हॉरोस्कोप में, इंडियन हॉरोस्कोप के हिसाब से, वो पीरियड ट्रांजिट के हिसाब से बताऊंगा मैं, ट्रांजिट इस समय क्या चल रहा है, क्या कंडीशन है इस समय और अच्छी कंडीशन है, अच्छी नहीं है, कब तक अच्छी हो सकती है, टाइम पीरियड हम बताएंगे। जो महादशा पीरियड हमने लिया हुआ है, ये महादशा पीरियड नीचे मैंने लिख रखा है, ये थर्ड पॉइंट में, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस टाइम, ठीक है। तो इसके बारे में हम बताएंगे, ये एग्जिट का थर्ड जो पॉइंट में लिया हो, एग्जिट ऑफ COVID-19, पॉसिबिलिटी ऑफ, आई मीन दिस इज माई प्रेडिक्शन दैट कब तक एग्जिट हो सकता है COVID-19, ठीक। इसके बारे में तीसरे पॉइंट पर डिस्कस करें। सबसे पहले मैं बताता हूँ किस तरह से कोई भी बीमारी, जो पैंडेमिक बीमारियाँ होती हैं पूरे वर्ल्ड में फैल जाती हैं और मेजोरिटी एरिया में फैलती हैं, ठीक है, पैंडेमिक्स, जो जैसे पहले प्लेग बीमारी होती थी, जो 541 से बताते हैं कि 541 से स्टार्ट हुई थी, 541 से 540, उसके बाद में काफ़ी कंटिन्यूटी एक एरिया, सेलेक्टेड एरिया में बीमारी फैलती है और प्लेग से काफ़ी बीमारियां, काफ़ी लोग मर जाते हैं। आई थिंक मुझे ईयर अभी याद नहीं आ रही, लेकिन आई थिंक 1870 इंग्लैंड में, लंदन में 1 लाख लोगों की, 1 लाख लोगों की डेथ हो गई थी, किसकी वजह से, प्लेग की वजह से। तो प्लेग की बीमारी भी कई लोकेलिटी में फैलती है, इंडिया में भी कई बार हुई,
ठीक है ना, कंटिन्यूसली कुछ लोग तो खत्म हो जाते हैं प्लेग, लेकिन अभी धीरे धीरे करके कंट्रोल में आ गई है, क्योंकि उसका जो वो है वायरस को रिमूवल करने का जो तरीका है वो आ गया है ना। प्लेग की वजह से जो क्वारंटाइन का जो पीरियड, क्वारंटाइन का जो वर्ड है वो सबसे पहले इन्वेंट हुआ था, क्योंकि मोस्टली प्लेनेट जो प्लेग जिनको बीमारी होती थी, क्योंकि वो रोडेंट्स होते हैं, चूहे वगैरह से होती थी, ये बाद में मालूम पड़ गया। तो जो मालूम पड़ा रूस के शायद एक साइंटिस्ट थे रूस के, और इंडिया में फ्रेंच और जो फ्रेंसी थे, उन दोनों ने मिल करके इसका इन्वेंट किया था। तो प्लेग की जो बीमारी थी उसको ख़त्म करने का जो बैक्टीरिया वो बनाया था, और उन्होंने मालूम किया किस तरह से ये फैलता है, मीन्स दिस बात देयर डिस्कवरी, किस तरह प्लेग फैलता है रोडेंट्स मतलब चूहों से, रोडेंट से फैलता है, ये बात उन्होंने डिस्कवर किया था। वो सबसे पहले इटली में आई थिंक जाके इस क्वारंटाइन जो वर्ड है उसका इन्वेंट हुआ इटली में और जर्मनी में, जहाँ पर लोगों को कई दिनों तक क्वारंटाइन करते थे, अकेला रखते थे। ठीक है, ये क्वारंटाइन वर्ड जो अभी यूज हो रहा है कि क्वारंटाइन कर दो उसको कोविड की वजह से, ये क्वारंटाइन वर्ड उन दिनों में प्लेग की बीमारी की वजह से स्टार्ट हुआ था। उस समय लोगों को 30 दिन तक 30 डेज तक अलग रखते थे। ठीक है जी, क्वारंटाइन वर्ड इस तरह इन्वेंट में वो इन्वेंशन में आया था और यूज में आया था, तो इसलिए अब आजकल ज़्यादा यूज हो रहा है। तो इसलिए लोगों को अलग कर देते हैं, सेपरेट करके लोगों को थोड़ा सा बीमारी से वो मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए अगर वो दोबारा कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं जो डिजीज फैलो है, क्योंकि ये जो एपिडेमिक टाइप बीमारियाँ होती हैं जो छुआछूत से फैलती हैं दूसरों को देख के, और कैसे भी जैसे यहाँ इस केस में एयर टू एयर फैलती है। अच्छा, अब आते हैं COVID-19 की क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहली कंडीशन है कि सबसे बड़ी खतरनाक जो पोजीशन है, जो मैलिफिक पोजीशन है प्लैनेट्स की कंजक्शंस की, वो क्या है कि राहु केतु एक्सिस में राहु के साथ अगर मार्स आ जाता है एंड केतु के साथ सैटर्न बैठा हो, तो ये जो तो पेयर है, पेयर ऑफ प्लैनेट्स का, ग्रहों का जो पेयर है, ये अगर राहु केतु एक्सिस में राहु के साथ मंगल और मार्स और केतु के साथ सैटर्न, ये जो वो है कॉम्बिनेशन कंजक्शन, जैसे ये है हमारा, ये 14 जून का है, 14 जून मैंने यहाँ डेट लिख रखी है, 14 जून 2019 को ये कंडीशन आई थी, ये कंडीशन बनी थी, और 5:30 का टाइम हमने लिया हुआ है दिल्ली हमने, क्योंकि कहीं का भी आप लोकेलिटी लेकर के उसकी हॉर्स को बना सकते हैं, तो हमने दिल्ली को वो ले करके प्लेस ऑफ बर्थ और ये हॉर्स को बना दिया, क्योंकि ये जो पोजिशन है प्लैनेट्स की, ये पोजिशन हर जगह पूरे वर्ल्ड में होगी, टाइम का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है कुछ घंटों का, क्योंकि सम आवर्स ओके कंट्रीज आर अहेड और बिहाइंड ऑफ यू नो ईस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज जो पीछे होते हैं टाइम से और ईस्टर्न कंट्रीज आगे होते हैं जहाँ सन पहले निकल पाता, राइट। सो इस तरह से केवल घंटों का डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज ये जो पोजिशन है प्लैनेट की ये लगभग सेम होती है, सिमिलर आ जाती है। ठीक है, ये जो पोजिशन है क्या, जैसे यहाँ केस में राहु मार्स सैटर्न केतु, सैटर्न और केतु और साथ में मरकरी था, इस केस में मरकरी की पोजीशन और थी, जब ये चारों प्लैनेट्स या दो दो का जो पेयर होता है, खास करके सैटर्न राहु तो एक साथ अच्छे होते हैं, सैटर्न और राहु दोनों फ्रेंड्स होते हैं, उन्हें जैसे शनि बत राहु बोलते हैं, राहु और शनि दोनों की एक जैसी क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, एक दोनों में सेम कंडीशंस पाई जाती हैं और सिमिलर टाइप की रिजल्ट देते हैं लगभग, और दोनों फ्रेंड्स होते हैं, इसलिए सैटर्न राहु के साथ में कॉम्बिनेशन में अच्छे रिजल्ट दे सकता है। उल्टी पर डिपेंड करता है कि भाई क्या हाउस जो हॉस्कोप है, हॉस्कोप में कहाँ प्रेजेंट है, दोनों में दोनों का जो कंजक्शन है कॉम्बिनेशन वो कहाँ पर हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है, वो बहुत अलग से बात है। लेकिन इस केस में जब कभी भी मार्स की पोजिशन, जैसे मार्स यहाँ पर मंगल आया राहु के साथ में और साथ में मरकरी बैठा हो, दैट इज अंदर पॉइंट डिस्कस करेंगे, लेकिन सैटर्न केतु और मंगल और राहु, अब सुनिए, राहु और सैटर्न दोनों फ्रेंड होते हैं, एक दूसरे को आस्पेक्ट करें बहुत अच्छा आस्पेक्ट है, लेकिन जो मंगल आ गया साथ में, मंगल सैटर्न को का एनवी है और मंगल केतु का भी एनवी है, और मंगल केतु का फ्रेंड है लेकिन राहु का एनवी है, तो राहु के साथ बैठा हुआ कॉम्बिनेशन में, तो एक तो जिस हाउस में बैठे हुए दोनों नॉट फ्रेंडली हैं, दोनों दुश्मन हैं, आपस में फ्रेंडली नहीं है, तो इसलिए दोनों में वो है मीन्स काफ़ी दोनों में स्ट्रगल है, मीन्स दोनों एक दूसरे से हेट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हाउस के अंदर जहाँ बैठे हुए, आपके साथ अगर कोई एनमी बैठा हुआ है तो आपके वहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए दोनों ही मार्स और राहु, मंगल और राहु, ये जो दो बैठे हुए हैं, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा नहीं है जर्मनी साइन में इस केस में। हालांकि दो बीज क्या है ऋषियों के, पारस ऋषि कहते हैं भाई जो राहु होता है वो टॉरस साइन में वृष राशि में एग्जॉल्टेड होता है, ये जो वृष राशि दो नंबर है
दो नंबर राशि में पारस ऋषि के हिसाब से कि अकॉर्डिंग राहु उच्च का होता है, ठीक है, उच्च का एग्जॉल्टेड होता है, एग्जॉल्टेड मीन्स उच्च का होता है, और केतु होता है स्कॉर्पियो में, उनके हिसाब से आठवीं राशि आमने सामने, जो दो नंबर के सामने सातवां सातवें घर में आठवीं राशि है, या इसको स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि बोलते हैं, तो वृश्चिक राशि में वो कहते हैं केतु उच्च का होता है ना, और वृष राशि जो दो नंबर है टॉरस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, तो टॉरस में क्या राहु उच्च का होता है, ये पोजिशन बताते हैं पारस ऋषि। लेकिन बाकी जो ऋषि हैं सभी यानी जितने ये दो बीच मूर्ति चलते हैं एस्ट्रोलॉजर्स में, दोनों से रिजल्ट अच्छे आते हैं, क्योंकि अगर हम जैसे इसको कैप्रिकॉर्न सॉरी सेजिटेरियस को अगर मूल त्रिकोण साइन मान लेते हैं, केतु के लिए मूल त्रिकोण साइन है, कहते हैं कोई केतु के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन केतु इसमें एग्जॉल्टेड ही माना जाता है। कुछ ऋषि जो होते हैं वो दूसरा जो व्यू है वो कहता है कि भाई नहीं, राहु जैमिनी में उच्च का होता है, जैमिनी तीसरी साइन में मिथुन राशि में, वृष राशि में नहीं मिथुन राशि में उच्च का होता है, एक व्यू ये है। तो इस समय कह रहे हैं उच्च की राशि में बैठा होगा, मैं मोस्टली उच्च की राशि मान के चलता हूँ क्योंकि ये अच्छा ले देता है मेरे लिए, तो भाई मैं तो पुरुष वाली राशि को रियली मानता हूँ। लेकिन जो जो कुंडली बनाई गई है हॉर्स्कोप इंडियन इंडिपेंडेंस का, ये जो हॉर्स्कोप है ये वाला, और उसमें भी 5:30 पर सेम राशि आ गई है, अभी जो मैंने बनाया है इसका हॉर्स्कोप 14 जून का डेली प्लेस ऑफ बर्थ लेके 5:30 पर जो टाइम था उस पर भी लकीली ये टॉरस साइन ही आ गया, मतलब सेम इंडियन जो इंडिपेंडेंस का वो है हॉर्स्कोप है ना, जन्म कुंडली है उसी हिसाब से वो जन्म कुंडली की सेम राशि आ गई है, वृष राशि ही आ गई लग्न में यहाँ पर भी। तो अच्छी तरह मालूम पड़ रहा है कि प्लैनेट की पोजिशन क्या है, अपने इंडियन हॉर्स्कोप के हिसाब से भी देखें इसमें और उसमें दोनों में कहाँ कहाँ कंडीशन मतलब पोजिशन है प्लैनेट्स की, वो ईजिली मालूम पड़ रही है। अब आते हैं कि भाई ये जो पोजिशन थी, जब कभी ये पोजिशन आती है बड़ी डिजेस्टस होती है पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी, या एक मेजोरिटी ऑफ मेजर लोकेलिटी में, काफ़ी बड़ी एरिया में बीमारी फैलती है, या तो अर्थक्वेक आता है या किसी कोई वर्ल्ड लीडर की डेथ हो जाती है, बहुत फेमस लीडर था लोग उसके बारे में याद करते हैं, कुछ सुसाइड कर लेते हैं, इस टाइप का लीडर कोई की डेथ हो जाती है, ऐसा ये डिजेस्टस कंडीशन आ जाती है, वेरी ओमिनस अपशगुन वाला ये पोजिशन है, अच्छी पोजिशन नहीं मानी जाती इसकी, राहु का मंगल के साथ और केतु सैटर्न के साथ, शनि केतु और मंगल और राहु ये आपस में ऐसे आते हैं कॉम्बिनेशन में अपोजिट में, तो एक दूसरे को एनिमी का साइन से दृष्टि से देखते हैं, एक दूसरे को ऐसे कहते हैं दे आर एनिमीज, मार्स इज एनिमी ऑफ सैटर्न, यानी राहु केतु एक्सिस जो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, राहु के साथ मंगल जबरदस्त वो एनिमी का, और सैटर्न और केतु उधर एनिमी का, दोनों हैं एनिमी का अपोजिट साइन थे हम बताएंगे, क्योंकि राहु जो ओन करता है, राहु किन किन राशियों पर ओन करता है, कौन कौन इसके फ्रेंड हैं वो दिखाता हूँ। राहु किन किन नक्षत्रों पर, तीन नक्षत्र राहु की किस में आते हैं, क्योंकि नौ हमारे प्लैनेट्स होते हैं, नौ ग्रह होते हैं, और नौ ग्रह तीन तीन जो प्लैनेट वो होती हैं नक्षत्र, टोटल 27 नक्षत्र होते हैं, वो तो तीन तीन नक्षत्रों के स्वामी होते हैं, के वो लॉर्ड करते हैं, रूल्स करते हैं, रूल ओवर है ना। तो राहु रूल ओवर कहाँ करता है, ये मैंने लिखा हो, राहु रूल्स ओवर नक्षत्र, आज कौन कौन से नक्षत्र हैं, आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी राहु होता है, देन श्वाति नक्षत्र और सत्यविसर्ग नक्षत्र होता है, सत्यविसर्ग बोलते हैं, सत्यविसर्ग श्वाति नक्षत्र और पहला नंबर है आर्द्रा नक्षत्र, ठीक है, इन तीनों के ऊपर राहु रूल्स करता है। अब आर्द्रा नक्षत्र जो होता है वो किस राशि में पड़ता है, जैमिनी में पड़ता है, मिथुन राशि में पड़ता है, तीसरा नंबर मैंने लिखा हुआ थर्ड नंबर जैमिनी में पड़ता है, ठीक है, जैमिनी राशि के अंदर आर्द्रा नक्षत्र पड़ता है। तुला राशि जो लिब्रा साइन होता है, लिब्रा मैंने लिखा हुआ लिब्रा सेवंथ साइन में के अंदर स्वाति नक्षत्र पड़ता है, और जो सत्विज नक्षत्र है वो एक्वेरियस 11th साइन जो जिसका स्वामी 11th साइन जो कुंभ राशि है एक्वेरियस साइन है उसका स्वामी कौन होता है, सैटर्न शनि होता है, तो सैटर्न लॉर्ड होता है किसका, एक्वेरियस साइन का जिसके अंदर सत्विज नक्षत्र पड़ता है, लिब्रा राशि है उसका स्वामी वीनस होता है, शुक्र होता है, शुक्र स्वाति नक्षत्र का स्वामी है, स्वाति नक्षत्र क्योंकि स्वाति नक्षत्र किसमें पड़ता है, तुला राशि का लॉर्ड वीनस होता है, और ये आर्द्रा नक्षत्र है वो जैमिनी राशि में पड़ता है, मिथुन राशि में, और मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है, मरकरी होता है, इसका मतलब मरकरी वीनस और शनि ये तीनों फ्रेंड हुए ना, किसके फ्रेंड हुए, राहु के, तो राहु इसलिए इन तीनों के साथ में मित्रता रखता है, ठीक है, तो राहु के दोस्त वीनस मरकरी
और सैटर्न। शनि राहु का तो मित्र होता है, सैटर्न शनि सामने है, सामने राहु को अच्छा दिख रहा है, लेकिन जो मंगल बैठा हुआ साथ में राहु के, वो बड़ा ऑस्पिशियस नहीं है या वेरी ओमिनस है। ओमिनस कहते हैं बड़ा अपशकुन वाला है, अच्छी पोजिशन नहीं है किसी मंगल की राहु के साथ, उधर शनि के केतु के साथ में, क्योंकि केतु जो रूल करता है वो भी तीन नक्षत्रों का रूल करता है केतु। लेकिन तो मैं लिखा हुआ नीचे केतु या केतु रूल्स ओवर, ये सेकंड नंबर यहाँ से केतु रूल्स ओवर राहु रूल्स ओवर है ना, ओवर नक्षत्राज केतु रूल्स ओवर नक्षत्राज अश्विनी, केतु पहला जो नक्षत्र था अश्विनी उस पर रूल करता है, उसका स्वामी होता है। मघा नक्षत्र, मघा नक्षत्र कौन सा होता है अभी, ये सिंह राशि में पड़ता है मघा नक्षत्र, तो अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र और नैशम्बूल नक्षत्र, मूल नक्षत्र जो कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता, हालांकि मूल नक्षत्र का जो मूल नक्षत्र के साथ ही पड़ता है सैजिटेरियस में, धनु राशि में पड़ता है, सैजिटेरियस साइन नाइन्थ राशि में सैजिटेरियस साइन होता है या धनु राशि होती है, वो धनु राशि के अंदर मूल नक्षत्र पड़ता है। और धनु राशि का स्वामी कौन होता है, बृहस्पति, गुरु होता है शुक्र, गुरु होता है जुपिटर, तो जुपिटर इसका लॉर्ड होता है, ठीक है, किसका, मूल नक्षत्र जो कि सैजिटेरियस साइन पड़ता है, तो मूल नक्षत्र पड़ता है धनु राशि के अंदर, धनु राशि का स्वामी गुरु होता है जुपिटर, और अश्विनी नक्षत्र है जो पहले वाला नक्षत्र है फर्स्ट वन, उसका भी उसके ऊपर भी रूल करता है केतु, केतु इज लॉर्ड ऑफ दैट है नक्षत्र, और अश्विनी नक्षत्र का पड़ती है एरीज साइन में, पहली राशि जो होती है इस कहते हैं या एरीज साइन, ठीक है, तो एरीज साइन मेष राशि, मेष वृष मिथुन, मेष राशि जो पहला नंबर होती है जिसे एरीज बोलते हैं इंग्लिश में, तो एरीज साइन में अश्विनी नक्षत्र पड़ता है, इसका मतलब इसके ऊपर रूल कौन करता है, केतु, केतु इसका स्वामी होता है, अच्छा केतु इसके ऊपर रूल करता है, तो एरीज साइन में पड़ता है, और एरीज का लॉर्ड मंगल होता है मार्स, इसका मतलब मार्स केतु का तो फ्रेंड होकर है ना केतु, क्योंकि केतु जिस नक्षत्र के ऊपर रूल करता है वो नक्षत्र एरीज साइन में पड़ता है, एरीज मेष राशि में पड़ता है, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, नीचे लिखा है मंगल, ये मार्स एक नंबर मार्स, और जो मघा नक्षत्र है वो लियो राशि सिंह राशि में पड़ता है, सिंह राशि का स्वामी सन होता है, सूर्य होता है, वो लिखा हुआ नीचे सन, ठीक है, सन लियो राशि सिंह राशि का स्वामी होता है, और लियो राशि के अंदर मघा नक्षत्र पड़ता है। नेक्स्ट है मूल नक्षत्र किसमें पड़ता है, जैसे धनु राशि सैजिटेरियस साइन, सैजिटेरियस नाइन्थ राशि, और नाइन्थ राशि का स्वामी गुरु होता है जुपिटर, मतलब मार्स सन और जुपिटर तीनों फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं, तो तीनों ही फ्रेंड ही हो गए, और ये तीनों फ्रेंड किसकी भी होगी, केतु के भी, तो केतु इन इनके नक्षत्रों पर ही रूल करता है, वो नक्षत्र इनकी राशियों में लाई करते हैं, इसका मतलब केतु के साथ में अच्छा फ्रेंडली रिलेशनशिप दिखाते हैं, इस तरह से फ्रेंडशिप वगैरह ये सब जानी जाती है, इसके बारे में कभी फिर बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं नेक्स्ट जो प्रोडक्शन टॉपिक लूँगा, लेक्चर सीरीज लूँगा थर्ड वन, उसमें क्या लूँगा कि भाई ये जो मैचिंग करते हैं शादियों की है ना, बॉय एंड गर्ल की, वो कैसे करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताऊंगा 100% ट्रू, बहुत ही लोग समझते हैं कि भाई ये क्या मैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है जब डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ डिफरेंट दे देते हैं, करेक्ट नहीं होती है, अगर एग्जैक्ट होता है तो उससे मैचिंग करना बहुत जरूरी होता है, मैचिंग करने के बाद में आप देखोगे बहुत ही सिमिलरिटी होती है, जैसे मैंने बताया कि जो मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप होती है हस्बैंड वाइफ की और बॉय एंड गर्ल की, तो वो बहुत ही जरूरी होती है, लेकिन कभी कभी डेट ऑफ बर्थ टाइम बर्थ वगैरह काफ़ी लोग गलत दे देते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, उस प्रॉब्लम से बाद में डिफरेंस ज़्यादा हो जाते हैं, अदरवाइज काफ़ी फ्रेंडशिप पाई जाती है, अगर एक से नक्षत्र वाले लोग मिल जाते हैं, नक्षत्र जैसे देवगण नक्षत्र हैं तो देवगण का देवगण से शादी करते हैं तो बहुत अच्छी होती है, और राक्षसगण की राक्षसगण के साथ शादी करते हैं तो बहुत अच्छी होती है, ऐसे ही मनुष्यगण की मनुष्यगण के साथ में नरगण और जिसे मनुष्यगण बोलते हैं तो मनुष्यगण का मनुष्यगण के साथ करते हैं तो भी शादी अच्छी होती है, और गुरु की जो देवगण है देवगण की शादी मनुष्यगण के साथ करते हैं तो भी चलती है, लेकिन अगर देवगण और राक्षसगण कर दिया है तो दोनों आपस में लाइफ लॉन्ग फाइट ही करते रहेंगे, कभी उनके दिमाग मिलते नहीं आपस में, मुंह नहीं मिल सकते, ठीक है, ऐसे अगर मनुष्यगण और राक्षसगण का कर दिया शादी तो प्रॉब्लम हो जाती है, दोनों ही खत्म हो जाते हैं आपस में लड़के, एक दूसरे को मारते हैं और डेथ हो जाती है, तो इस तरह से ये जो सिलेक्शन होता है शादी के टाइम पर है ना, गुण देखना, 18 गुण कम से कम मिलना चाहिए 36 में से, लेकिन बहुत ज़्यादा मिलते हैं 38 तक मिल, सॉरी 30 या 32 31 मिलते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलरिटी आए, दोनों एक जैसी बातें करते हैं एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा काफ़ी क्लोज होते हैं, एक दूसरे की बातें समझते हैं, मन की बातें समझ जाती हैं, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ बैटल क्रूड होता है दोनों का,
अब वो जो मैचिंग होती है हॉरोस्कोप की, वो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए भी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करेंगे, जैसे दो पार्टनर हैं कि कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनका भी हॉरोस्कोप आपस में मिला लें तो उनको वहाँ भी काम करता है। ये जो मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप होती है उसको मैं कॉन्ट्रैक्चुअल साइन जब करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं आपस में, कोई बिजनेस स्टार्ट करें दो पर्सन, दो से तीन ज़्यादा हो सकते हैं, आपस में मिला सकते हैं अपनी हॉरोस्कोप सभी, तो उस तरह से मिला करके अगर चलते हैं तो अच्छे गुण मिलते हैं। मीन्स उनकी काफ़ी अच्छा एटीट्यूड होगा, आपस में मिलेंगे, बातचीत करेंगे, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट वो ख़त्म नहीं हो पाता है, अच्छा चलता है ना आपस में, तो वो उसके काम भी आता है। इसलिए मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर सीरीज जब टाइम मिलेगा तो डिस्कस करेंगे, काफ़ी लंबा टॉपिक है, क्योंकि जो आठ गुण होते हैं, जो आठ वो होते हैं, वन से लेकर आठ तक ऐड कर दीजिए, पहली जो क्वालिटी है उसको एक दिया था नंबर, दूसरी क्वालिटी को दो नंबर दिया जाते हैं, तीसरी को तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, एक से लेकर आठ तक जब ऐड करेंगे आप, 1 to 8, तो 8 × 9/2 है ना, 2 × 4 = 8, 9 × 4 = 30, इससे 36 गुण हो जाते हैं, यानी 8 × 9 × 2, ये जो एक से लेके आठ नेचुरल नंबर्स होते हैं उनका सम करें अगर आप 1 + 2 + 3 + 4 up to 8 तक, तो टोटल 36 आ जाएंगे आप देखेंगे ऐड करके। इसलिए उनको जो एट क्वालिटीज़ होती हैं, एट क्वालिटीज़ क्या होती हैं, उनको किसको एक नंबर दिया गया, किसको दो दिया गया, तीन चार, इस तरह से करके आप 36 गुण आ जाते हैं, तो उसको मिलान करके ही लोगों की शादी करना बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है ना। ये जो मैचिंग होती थी, हमारे ऋषियों ने बहुत अच्छी टेक्निक निकाली, लेकिन बाद में इसका मिसयूज हुआ लोगों ने। अब जैसे ब्राह्मण नक्षत्र है, ब्राह्मण वर्ण भी होता है, वर्ण किस वर्ण से किस वर्ण में शादी की, यहाँ से वर्ण डिसाइड होता था, लेकिन बाद में जातियों में कन्वर्ट हो गया, वो ब्राह्मण हो गया तो ब्राह्मण ही हमेशा हो जाता था, है ना। लेकिन नक्षत्रों की जो क्वालिटी उसके हिसाब से शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये जो डिसाइड किया जाता था उसके हिसाब से शादी की मैचिंग होती थी। अब ये एस्ट्रोलॉजी के लिए सब बातें मानी जाती थी स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में ये जातियों में इस चीज़ कन्वर्शन हो गया, लेकिन वेदाज के टाइम पे इसको इसलिए तो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये जो वर्णज हैं, है ना, उनके वो हैं क्या जाति हैं, क्या कौन सा गण है, क्या गण है, क्या वर्ण है उनका, ये सब चीज़ें मिलाई जाती हैं, डिस्कस करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि लोग उसको डिमांड कर रहे हैं कि मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप कैसे करते हैं फॉर मैरिज पार्टनर्स के लिए, या आप उसमें कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करें उसमें भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। मैंने ऐसा फाइंड किया हुआ है, जब भी जैसे बिजनेस लॉ पढ़ाते हैं हम लोग, तो बिजनेस लॉ मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं, तो बिजनेस के लिए दो पार्टनर होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने के लिए, और दोनों ही पार्टनर की अगर हॉरोस्कोप मिला दी जाए दोनों में काफ़ी लंबा कॉन्ट्रैक्ट चल सकता है, अच्छा सक्सेसफुल जा सकता है, और दोनों के अगर डिफरेंस होते हैं तो बीच में एक दूसरे को मारेंगे काटेंगे या बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, है ना, दोनों की डेथ हो सकती है, आपस में लड़ेंगे वो करेंगे, इस तरह से भी पॉसिबिलिटी है। तो वो मैचिंग जो होती है वो बाद में डिस्कस करेंगे, कम टू द पॉइंट नाउ। अच्छा, ये डिस्कस करें तो ये जो डिजेस्टस पोजिशन होती है राहु केतु और राहु केतु एक्सिस में, मंगल और शनि का आना, मार्स एंड सैटर्न का आना, ये बहुत ही खतरनाक पोजिशन होती है। जब कभी कंडीशन आती है जिस ईयर में, उस ईयर में या तो बहुत बड़ी बीमारी फैलती है, इसे एपिडेमिक बोलते हैं, है ना, और एपिडेमिक फैलती है, या अर्थक्वेक आता है, किसी बड़ी लोकेलिटी में अर्थक्वेक आ जाएगा, काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है, अब वर्ल्ड वार हो जाते हैं, ठीक है ना, वर्ल्ड वार फर्स्ट सेकंड जो हुए हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि हिस्टोरिकली इनकी जो डेट्स वगैरह हैं हमारे पास नोटेड हैं, जितनी हिस्ट्री में कौन कौन से अटैक हुए, इंडियन नॉर्थ इंडिया में मोस्टली अटैक हुए थे, है ना, मुगल रूलर्स के द्वारा, मुगल जो अटैकर्स बाहर से आए थे, इन्वेडर्स की जो या दे इन्वेडेड इंडिया, किस ईयर में इन्वेड किया, उस ईयर में क्या पोजीशन थी प्लैनेट्स की, उसके हिसाब से आप देखोगे तो 100% ट्रू आता है, क्योंकि वो जो पोजीशन होती है खतरनाक आती है, उस खतरनाक में काफ़ी लोगों की डेथ होती है, मतलब लोगों की किलिंग होती थी, लाखों लोग मारे जाते थे, हिंदू लोगों को मार मार करके वो अपनी पिलर्स बना करके, इस तरह से बना करके उनकी वो मजाक करते, जो भी है ठोकरें मारते थे, तो ये जो कंडीशन होती थी वो भी एक बड़ी डिजेस्टिस कंडीशन होती थी। उसके हिसाब से आप देखोगे कि प्लैनेटरी जो पोजीशन होती थी, किस तरह प्लैनेटरी पोजीशन खतरनाक होती थी उस टाइम पर, टफर टाइम भी, इस तरह से जो फॉरेन अटैकर्स आते थे उन्होंने ऐसा किया, ठीक है, वो काफ़ी इवेंट्स हमने पानीपत के तीनों युद्ध के टाइम पर क्या पोजीशन थी, ठीक है, तीनों जो युद्ध हुए, पहला पानीपत का बाबर के बीच में हुआ, सेकंड नंबर पानीपत का, फिर अहमद शाह अब्दाली का थर्ड वन हुआ था उसके साथ में भी, ठीक है, और ये तीनों जितने भी वो पानीपत के तीन युद्ध हुए, उसके बाद में फिर
और भी तैमूलंग आता है, गजन भी आता है, 1017 से लेकर के 24 तक तब आता है, उसने जो अटैक किया तो वहाँ पर सोमनाथ का टेंपल लूटा था, उस पोजिशन में क्या डेट थी और तैमूलंग जब आता है उसकी क्या क्या समय कंडीशन थी प्लैनेट्स की, उसके हिसाब से आप देखेंगे, क्योंकि इवेंट्स मोस्टली जो भी नोटेड डेट्स हैं उसके हिसाब से अगर उसको आप बना लेते हैं उसमें आप देखें पोजिशन प्लैनेट्स की आती है। ये रिसर्च का पॉइंट है, हम लोग रिसर्च करते हैं और ये सब चीज़ हमने रिसर्च की हुई है काफ़ी, और आप देखते हैं कि वो इवेंट्स लगभग अगर आपके पास में लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड निकालने का ये तरीका सही है तो ठीक है ना, पीछे की ईयर तक आप जा सकते हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड निकाल सकते हैं एस्ट्रोनॉमिकली, तो एकदम एग्जैक्ट आता है तो आ जाएगा एग्जैक्ट, अदरवाइज मोस्टली लोग जो जिस काफ़ी वो आती हैं आजकल है ना हॉर्स को बनाने के लिए टेक्निक्स आती हैं, आई मीन सॉरी सीरीज वगैरह आती हैं, वो सीरीज वगैरह में मैंने देखा है कई बार रॉन्ग कैलकुलेशन होती हैं, उससे प्रॉपर तरीका नहीं आता ठीक है, और अपने आप अगर निकालना आ जाता है आपको तो वो आप चेक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं किस तरह से लॉन्गिट्यूड निकाला है और असेंडेंट जो लग निकाला है वो सही है कि नहीं है, तो आप अपने आप करेक्ट कर सकते हैं। ये जो पोजीशन थी वो 14 जून की थी, मैंने लिखा है 14 जून 2019 को, ये डेट ऑफ बर्थ हमने लिख दिया हुआ है, टाइम ऑफ बर्थ 5:30 का लेकर के दिल्ली का प्लेस ऑफ बर्थ लेकर के हमने ये हॉरोस्कोप बना दिया, ये हॉरोस्कोप मिला हुआ दिल्ली जो बना था इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया का, उसका जैसे ही हॉरोस्कोप आ गया, मतलब राशि लग्न में टॉरस राशि आ जाती है, तो ये पोजिशन थी खतरनाक थी, क्यों, क्योंकि देखिए वीनस सन लग्न में है, ये तो इंडिया की पोजिशन में, ये जो पोजिशन इंडिया के टाइम पर थी इंडिया की हॉरोस्कोप में ये है, इसलिए इंडिया में तो ये स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि देखिए पोजिशन क्या है, लग्न में वीनस शुक्र अपनी राशि में बैठा हुआ है, लग्न का लॉर्ड स्वामी बैठा हुआ, तो लग्न उसका स्ट्रांग है, अपनी उसको नेटिविटी को प्रोटेक्ट करके रखेगा उस पीरियड में 14 जून को, यहाँ ये इवेंट नहीं घटती है, लेकिन कहीं किसी वर्ल्ड में किसी दूसरे प्लेस पर घटी है जहाँ पर कि पोजिशन या तो 12th हाउस में होगा, 6th 12th में होगा या है ना, और दूसरे 8th हाउस में हो सकता है, 3rd हाउस में जैसे इस पोजिशन में है ना, 8th हाउस में तो है ही पोजिशन इस केस में, लेकिन वो वहाँ पर लग्न का लॉर्ड कुछ और, तो जो पोजिशन 3rd हाउस 9th हाउस में हो सकती है, 4th हाउस 10th हाउस में हो सकती है ना, बाकी 5th एंड 11th हाउस में, इस तरह से 12th और 6th में हो सकती है, ये जो पोजिशन है वो पोजिशन डिफरेंट उस कंट्री की हो सकती है जिस कंट्री में सबसे पहले ये इवेंट घटी, सबसे पहले ये कोविड-19 की एंट्री हुई, तो कोविड-19 की एंट्री 14th जून, क्योंकि 14th जून को इन प्लैनेट्स की ये भी कंडीशन है कि ये जो एपिडेमिक फैलती है वो एपिडेमिक फैलने का कोई एक्सीडेंट होने का, बहुत मेजर एक्सीडेंट होने का या बीमारी फैलने का या अर्थक्वेक आने का जो टाइम होता है एक्जैक्टली वो कब हो सकता है, वो तब होता है जब इन प्लैनेट्स की जो डिग्रीज होती हैं वो एकदम सिमिलर डिग्री आ जाती हैं, जब सिमिलर डिग्री मीन्स एक जैसी डिग्री के आसपास होते हैं तो वो घटना तब घट जाती है ना, उससे पहले प्लानिंग होती रहती है, काफ़ी प्रैक्टिकल्स करते रहते हैं, आप फेल हो जाते हैं, जैसे ही वो मैचिंग हो जाती है डिग्रीज की, सिमिलर डिग्री आ जाती है, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर कि भाई एक तो मार्स और राहु दोनों एनिमी और दोनों ही एक जैसे नक्षत्र बैठे, पुनर्वसु नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र का जो स्वामी है जुपिटर होता है पहली बात, दूसरी बात दोनों ही सेकंड पद, चार पद होते हैं किसी नक्षत्र के अंदर, फर्स्ट इसे क्वार्टर बोलते हैं इंग्लिश में, क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, और एक क्वार्टर की जो डिग्री होती है वो 3 degrees 20 minutes का होता है एक क्वार्टर, इसलिए 13 degrees 40 minutes का पूरा एक नक्षत्र होता है, 13 degrees 40 minutes, 13 degrees 40 minutes में आप 320 इस तरह ऐड करोगे, 3 degrees 20 minutes 3 degrees 20 minutes चार बार, तो आपको 3×4 है और 20 24 80 आ गए हैं, तो 13 degrees 20 minutes आ जाता है, 13 degrees 20 हाँ 13 degrees 20 आता है, और 13 degrees 40 minutes 13 degrees 20 minutes, क्योंकि 20 degrees 20 minutes का 60 minutes तो वो हो गए, 60 minutes का 3 degrees 20 minutes में जाता तो चार बार आप करेंगे तो 80 हो गया, 60 जो मिनट उसकी एक डिग्री हो गई तो 3×4 12 डिग्री तो हो ही, एक डिग्री और आ गई तो 13 degrees 20 minutes, तो 13 degrees 20 minutes का एक नक्षत्र होता है, एक नक्षत्र ऑक्यूपाई करता है हॉरोस्कोप के अंदर है ना, इस तरह से 13 degrees 20 minutes चार पदों में डिवाइड किया गया, तो दोनों ही मार्स राहु है ना, दोनों ही सेम पाद में, एक सेम नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में, डिग्री उनकी दोनों की 24 डिग्री आसपास है, क्या है डिग्री मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मार्स वाज एट 24 degrees 25 minutes 14 seconds, 24 degrees 25 minutes 25 degrees और 24 degrees 25 minutes 14 seconds, सैटर्न की देखिए सेम डिग्री 24 degrees
52 मिनट, मिनट में डिफरेंस है लेकिन डिग्री दोनों सेम, 24 डिग्री 24 डिग्री, सैटर्न और मंगल, इसलिए दोनों खतरनाक। रिजल्टेंट जो रिजल्ट